शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन को लेकर इस समय एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के फॉर्मर जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से जुड़ी एक जांच के सिलसिले में सीबीआई शाहरुख और आर्यन के बयान को दर्ज करने के लिए बुला सकती है। आपको बता दें कि आर्यन को एनसीबी ने लास्ट टू लास्ट ईयर एक ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था, तब वानखेड़े इस मामले में जांच अधिकारी थे। एक अधिकारी ने न्यूज पोर्टल को बताया कि वानखेड़े के कहने पर आरोपी किरण गोसावी और सैनविले डिसूजा ने शाहरुख से 25 करोड़ रुपए की मांग की थी, इसीलिए इस जबरन वसूली मामले में एक्टर का बयान दर्ज किया जाएगा। बता दें कि 11 मई को सीबीआई ने वानखेड़े समेत कई एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ 25 करोड़ रुपए की रिश्वत के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने आर्यन को नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। वहीं वानखेड़े इन आरोपों को शुरू से ही बेबुनियाद ठहराते आए हैं। अपने बचाव में वो कथित तौर पर शाहरुख द्वारा भेजे गए मैसेजेस का भी हवाला दे चुके हैं और वो सब दिखाया है जो उन्हें शाहरुख खान ने मैसेजेस के थ्रू लिखा था और कहा था। अब इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी के साथ सिनेमा से जुड़ी सारी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।